अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा फतेही। जैसे कि आप लोग जानते हैं, 21 अप्रैल ट्यूजडे यानी मंगल का दिन है और इस वक्त मैं अलजुबेल कॉलोनी आई हूँ, जहाँ पर कई सारी मुस्लिम मजबूर घर की औरतें हैं जिनको सख्त राशन की जरूरत है। आप देख सकते हैं, 35 घर की औरतें हैं जिनके पास राशन नहीं है। इस वक्त वो लोग बहुत ज्यादा परेशान है। छोटे छोटे मासूम बच्चे वाले लोग हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, भूख से परेशान है लोग। और यहाँ पर ही नहीं बल्कि कई ऐसे एरिया है जहाँ पर इसी तरह का हाल है। कई ऐसे मुस्लिम मजबूर लोग हैं जो राशन के लिए इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान है। बस ये लोग चाहते हैं, इनको राशन की जरूरत है, जल्द से जल्द इनके लिए राशन का इंतजाम किया जाए। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि मेरे पास भी पूरा स्टॉक खत्म हो चुका है, हमारे पास अब कोई स्टॉक नहीं। इसलिए आप लोगों का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। आप लोग जैसे चाहे सपोर्ट कर सकते हैं, चावल के तरीके देकर सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग भी अगर पैकेजेस बना कर रखेंगे तो हम खुद आके आपके पास से ले लेंगे। बस मैं ये चाहती हूँ, जैसे कि आप लोग को याद होगा, आज से तो और भी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। पुलिस सिटी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया। आज भी लॉकडाउन का जो वक्त था वो भी कम कर दिया गया है, सिर्फ 1 बजे तक ही दुकानें खुली रह सकती है। जो थोड़ा बहुत कारोबार करते थे लोग, उन लोग की भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी है। तो इसमें कई सारे लोग हैं जो रोज़ का कारोबार करने वाले, रोज़मर्रा की जो जिंदगी जीते हैं, अपने मासूम बच्चों को लोग जो पालते हैं, बीवी बच्चों को, वैसे लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। बस हम यही चाहते हैं कि हम हर घर पर राशन पहुँचाना चाहते हैं। इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब तक जितना भी खिदमत है फल की तरफ से, कई सारे 3,500 से बढ़ के घर के लोगों को राशन दिया है। 4,000 के करीब लोगों को हमने अब तक राशन तकसीम कर दिया है। तो ये सब कुछ आप लोगों के सपोर्ट और दुआओं का नतीजा है। बस मैं ये चाहती हूँ कि आगे भी आप लोगों का सपोर्ट होना मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कई सारे ऐसे मुस्तैद मजबूर घरों के लोगों की मदद करना है। छोटे मासूम बच्चे वाले लोग हैं, बराबर आप लोगों की दुआ लगने वाली है। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो रमज़ान की जो अपनी ज़कात होती है, वो भी आप लोग ऐसे मौके पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हालात बहुत ख़राब है और आगे भी दिन पर दिन हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें सबको मिलजुल कर काम करना है। तो बस मैं चाहती हूँ कि एक दूसरे पर तनकीद करने के बजाय ऐसे लोगों की सपोर्ट करें, ऐसे लोगों के लिए आप लोग मदद करने की कोशिश करें। 35 घर की औरतें हैं, आप भी सुन सको। हम लोगों को ने अभी तक तो राशन पानी कुछ नहीं आया, 1 महीने से लॉकडाउन है, बहुत परेशान है हम इस टाइम। हमारे बच्चे भूखे हैं, आप आके देख लियो, हमारे बगोने खाली है, हमको कोई इमदाद नहीं करे अभी तक। हम बहुत परेशान है खाने खाने दाने दाने को, हमारे पास इतने मजबूर है, आटवा लगे हुए है, बहुत परेशान है। आप लोग की हमको सख्त इमदाद की जरूरत है, आप लोग का मेहरबानी बहुत होती, इंतजाम करो। हम लोग अनाज से बहुत परेशान है, कुछ अनाज नहीं है घर में, छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर बहुत परेशान है। तो ऐसे रिक्शे झटके चलाने वाले, घर के कामों को भी गए तो घर के कामों वाले नको बोल रही। अस्सलाम वालेकुम, ये एरिया पे बहुत सी परेशानी चल रही भाई, कारोबार नहीं है, लोग भूखे रह रहे हैं, कोई इज्जत के मारे खामोश बैठ जा रहे हैं, कोई बोल रहे हैं, कब तक ऐसा सबर करके होना, आखिर में सबर नहीं आ रहा हम लोगों को, बच्चियों को लेके बाहर कैसा निकलेंगे। प्लीज अगर किसी से कुछ हो सका तो प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। देखिए, आप देख सकते हैं कई सारी मुस्लिम मजबूर घर की 35 घर की औरतें हैं, ये आप लोग के लिए राशन का इंतजाम करना है, जैसे चाहे आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। खुदा हाफिज़, जय हिंद।